हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुलाब जामुन की मिठाई की रेसिपी। और ये एकदम यूनिक मिठाई की रेसिपी है जिसे हम बनाएंगे बिना मावा, बिना खोया और बिना मैदा के। और इसे बनाना भी एकदम आसान है। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो फटाफट से इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गुलाब जामुन मिठाई बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा कप गेहूं का आटा और एक कप ले रही हूँ मिल्क पाउडर। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। घी की जगह पे आप मलाई भी डाल सकते हैं, फ्रेश मलाई जो दूध के ऊपर आती है वही। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। और अब सभी चीज़ों को हम एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब आटे में एकदम अच्छे से मिक्स हो गई सभी चीज़ें। अब ये मैंने लिया है दूध और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें इसका एक डो तैयार करना है। जिस तरह से हम आटे का एक डो बनाते हैं, इसी तरह से एक सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें। तो यहाँ पे एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। और अब इसे बनाने के लिए 1 कप में से हमारा सिर्फ इतना ही दूध लगा है और दूध हमारा बच गया है। और अब हम इसे ढक देंगे और ढक करके इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाशनी, उसके लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी। और अब इसमें डाल रही हूँ आधा कप पानी। और अब हम इसे पकाएंगे, पहले हमें चीनी को मेल्ट करना है। तो और अब फ्लेम को रखेंगे हाई और हाई फ्लेम पर हम चीनी को मेल्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, केवल चीनी मेल्ट होने के बाद 2 मिनट और पकाना है हमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर की जगह पे आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। और अब चीनी मेल्ट होने के बाद मैंने इसे 2 मिनट के लिए और पकाया है। और यहाँ पे जो हमारी चाशनी है वो एकदम रेडी है। फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसे ढक करके रख देंगे ताकि ये ठंडी ना हो। और इधर जो हमारा आटा है उसे भी रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये एकदम अच्छे से सेट हो गया है। और जो दूध डाला था वो सोख कर लिया है। अब मैंने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल या घी लगाया है। आप ऑयल या घी कुछ भी ले सकते हैं। और आटे को हमें एकदम अच्छे से नीड करना है, जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा बनाते हैं उसी तरह से एकदम अच्छे से इसे सॉफ्ट डो तैयार करना है। और अब यहाँ पे एकदम सॉफ्ट और स्मूथ डो तैयार हो गया है। तो अब हम इसे गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा पार्ट हम ले लेंगे और इस तरह से हाथ से इसको आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं। मैं इसे इस तरह से लंबाई में बना रही हूँ और इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसे प्लेन करेंगे ताकि इसमें एक भी क्रैक्स ना रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरह से मैं सारे बना करके पहले तैयार करूँगी। तैयार किए हुए गुलाब जामुन को हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल और इसे पहले से ही मैंने गर्म कर लिया है। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है, मीडियम हॉट गर्म हमें ऑयल चाहिए इसे बनाने के लिए। और अगर आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकती हैं। और अब एक एक करके हम इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे और एक साथ ज़्यादा गुलाब जामुन हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन डाल दिए हैं और जब ये एक साइड से अच्छे से सिकेंगे तो हम इसे पलट देंगे। और हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही हमें इन्हें पकाना है। अगर हाई फ्लेम कर दिया तो गुलाब जामुन ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे गुलाब जामुन हैं उन पे अच्छा सा कलर आ गया है, इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इन पे। तो अब ये देखिए एकदम प्यारा सा कलर आ गया है इनके ऊपर। और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और बाकी बचे हुए गुलाब जामुन भी हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार करेंगे। तो अब मैंने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं और उन्हें चाशनी में मैंने डाल दिया है। और इनके ऊपर से हम अच्छे से चाशनी डाल देंगे ताकि अच्छे से चाशनी में डिप हो जाएं। और अब हम इसे ढक करके रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, या आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं ताकि गुलाब जामुन हमारे अच्छे से फूल जाएंगे और जो इसका शुगर सिरप है वो इसके अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो इसलिए मैं इसे 3 घंटे के लिए अभी रेस्ट पर रख रही हूँ। और अब हम अपनी गुलाब जामुन मिठाई के लिए क्रीम बना कर के तैयार करेंगे। और क्रीम को बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच लिया है मिल्क पाउडर और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसका एक पेस्ट तैयार करूँगी। यहाँ पे हमें थिक पेस्ट बनाना है इसका और एकदम स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। तो ये देखिए एकदम स्मूथ और थिक पेस्ट हमारा यहाँ पर रेडी है।
और ये देखिए इस तरह का पेस्ट हमें तैयार करना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये अच्छे कलर के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इसकी जगह पे आप हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं कलर के लिए। और इसे भी अब अच्छे से क्रीम के अंदर मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पे मैंने एक दूध की थैली ली है और ये ग्लास के ऊपर मैंने इसको रख लिया है, और इसके अंदर हमने जो क्रीम तैयार की है उसको हम डाल देंगे। इसकी जगह पे आप कोई भी प्लास्टिक का बैग ले सकते हैं अगर दूध की थैली नहीं है तो, लेकिन दूध की थैली इजीली सभी घर में मिल जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे दूध का पैकेट यूज किया है। और इसके अंदर मैंने सारी क्रीम डाल दी है। और अब हम इस थैली को इस तरह से कोन की तरह बना करके तैयार करेंगे, जिस तो ये देखिए इस तरह से कोन की तरह मैंने इसको बना करके तैयार कर लिया है। और यहाँ पे जो गुलाब जामुन है उनको रखे हुए भी 3 घंटे हो गए हैं, ये अच्छे से फूल करके इसके अंदर शुगर सिरप भर गया है, एकदम अच्छे से गुलाब जामुन हमारे बन गए हैं। और इस तरह से अब एक गुलाब जामुन मैं आपको चेक करवाती हूँ, तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्पंजी हैं, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी गुलाब जामुन रेडी हैं। अब हम इसमें क्रीम लगा करके तैयार करेंगे, तो इस तरह से पहले हम कट लगा लेंगे और इसमें अब हम क्रीम फिल करेंगे। और इसमें क्रीम फिल करना एकदम इजी है, तो इस तरह से हम इसमें क्रीम लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं पहले सारे बना करके तैयार कर लूँगी। तो लीजिए अब हमारी एकदम स्वादिष्ट गुलाब जामुन मिठाई बन करके तैयार है। और गार्निशिंग के लिए मैंने इस पे पिस्ता लगाया है, आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकती हैं और इसे इस तरह से गार्निश कर सकते हैं। और इसे बनाना भी एकदम आसान है, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।